डुग्गू कॉलेज में सबको बता देता है कि अक्षरा उसकी माँ है। ये देखकर सोनू और बाकी लोग अक्षरा से माफी मांगते हैं। और इधर राजश्री और उसके परिवार में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अनन्या की शादी के लिए राजश्री और बाकी लोग अनन्या को तैयार करने में लगे होते हैं। इधर अक्षरा ये सारी बातें नैतिक को बताती है। फोन पर तो नैतिक कहता है कि आपको जैसा लगे आप वैसा कीजिए। इधर राजशेखर अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर देवयानी आती है और देखती है कि राजशेखर का खाना ठंडा हो गया है। तो देवयानी कहती है मैं दोबारा बना कर लेकर आती हूँ, तो राजशेखर मना कर देता है। इधर अक्षरा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि डुग्गू उससे इतना प्यार करता है कि उसने कॉलेज में भी बता दिया। इधर अनन्या कॉल करती है यश को और उससे कहने लगती है कि मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। तो ये सारे लोग अनन्या का मजाक बनाने लगते हैं। इधर अनन्या चौथा है अक्षरा के पास, तभी उसे सोनू का कॉल आता है। आज के एपिसोड में इतना ही। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।